सत श्री अकाल दोस्तों, तुसीं देख रहे जीत वैब टीवी ते मैं हरजाप सिंह। पिछले लंबे समय तो संघर्ष करते आ रहे नर्सिंग एसोसीएशन का, अज प्रभात चौंक जाम किया, तस्वीर तुम दिखा रहे हैं प्रभात चौंक दिया, जिते कि उन्होंने जाम ला के सरकार खिलाफ नहर में शुरू गल करेंगे। शुभम जी ने, शुभम जी लगातार दसवें दिन से थोड़ा धरना पहुँच गया, कितना देते तुम? देखो दसवें दिन से साडा धरना अज पहुँच गया है, लेकिन सरकार दे कंधे विच बिल्कुल जू नहीं रेंगदी, असी मजबूर हो गए बहुत ज़्यादा, तो ही करके अज यह कदम असी चक्या है। सानू कोई शौक नहीं है किसी को खज्जल खराब करन दा, लेकिन असी पिछले 5 महीने तो लगातार खज्जल खराब हो रहे हैं। तो साडे हैल्थ मिनिस्टर सेहत मंत्री ओपी सोनी जी का रवैया इदा का है, उन्हां कोल जदों भी जाओ उन्हां नूं साडी मंगा समझ ही नहीं आउंदियां। यह किहो जिहा हैल्थ मिनिस्टर है जिहनूं अपने जिहड़ा उहदा कैडर है उहदा ही बारे नहीं पता कि इहदियां की मंगा ने, की कुछ ने, कुछ नहीं इन्हों पता। हर बार सानू सिर्फ यही लारे लाते रहते करते कुछ नहीं है। जिहड़ी वित्तीय मंगा की जिहड़ी ना वित्तीय मंगा हैगियां वह भी पूरियां नहीं करते। उदा कहिंदे आ सेहत कर्मी हैगे आ या फिर करोना वारीअर हैगे आ, इन्हां दा सन्मान करती है सरकार, बहुत करती है, लेकिन कुछ नहीं करती सरकार। आ देख लो करोना वारीअर तुहाडे सामने किदां नारे ला रहे है, ठीक है। यह सारे स्टाफ वो ने जिन्हां ने करोना काल च बहुत सारिआं दी सेवा कीती, मरीजां दी बहुत देखभाल की, लेकिन सरकार वालों 1% भी इन्हां नूं मदद नहीं मिल रही, कुछ नहीं हो रहा इन्हां दा हल, एक डिमांड का भी हल नहीं हो रहा, ता ही असीं अज मजबूर होए। मेन मुद्दा अपना मेन मंग की है जिहड़ी सरकार नूं समझ नहीं लग रही? देखो कुछ साडी वित्तीय मंगा सीगियां जिहदे विच साडे पत्ते सीगे, जिवें कि पत्ता सानू एक डाइट अलाउंस मिलता सीगा। यह तो वर्ल्ड वाइड यह चीज़ हैगी है कि भाई नर्सिज़ नू, क्योंकि उन्होंने डायरैक्ट पेशेंट नाल डील करना है तो उन्होंने इम्यूनिटी स्ट्रोंग होनी बहुत जरूरी है, तो करके उन्होंने जी डाइट है वो प्रोटीन हाई प्रोटीन होनी चाहिए है, इसलिए डाइट अलाउंस मिलता सी। सरकार ने पहला तो डाका मारता वो साडा अलाउंस पत्ता वह बंद करता, तो करके उल्टा दूसरा साडा जो साडा तनखा स्केल सीगा उन्नू भी घटाता, ठीक है। तो यह चीज़ असी बिल्कुल नहीं सहवांगे, ऐदे ले असी काफ़ी बार जा चुके हैं पर सरकार ना कोई कन्न ते जू नहीं रेंगदी। उल्टा एक साडी जिहड़ी नॉन वित्तीय मंग सीगी, सिर्फ एक साडी इज्जत की गल है कि साडा ना स्टाफ नर्स तो नर्सिंग ऑफिसर होना, उहदे ते कोई वित्तीय बोझ नहीं पैना, सरकार ने साफ मना करता, सरकार कहिंदी असी नहीं कर सकते, साडे वल्लों रिजैक्ट है। 10 दिन हो गए तुहानू सिविल हस्पताल हुशियारपुर च काम बंद करके बाहर बैठे नूं, पर सरकार भी नहीं दिखाई दे, लोग भी परेशान हो रहे हैं, तुसीं भी परेशान हो रहे हैं, इहदी जिम्मेवारी किसकी होवेगी? देखो लोग परेशान होंदे आ, सानू भी दुख हुंदा, लेकिन यह सारी दी सारी जिम्मेवारी पंजाब सरकार दी है, साडी कोई इहदे च नहीं है, क्योंकि साडी मंगा ही नहीं सरकार पूरी करदी, असीं की करिए, साडा कोई मन नहीं करता कि किसे लोग कोई तंग होण साडे लई, असीं तां खुद उहनां दा सारी सेवा करदे हां, लेकिन सरकार साडा बिल्कुल नहीं करदी कुछ, तां करके असीं मजबूर। कदों तक संघर्ष चलदा रहेगा? लगातार तुहाडा अनमिठे समें लई चल रहा है कि इहनूं बंद किया जाएगा जी? साडा संघर्ष अनमिथे समय ले है, तो असी साडा संघर्ष होर तिखा हुंदा जाऊगा, बेशक सरकार को समा घट है, चोन जापता लगन वाली है, लेकिन साडा संघर्ष बिल्कुल ढिला नहीं पैण वाला। जे साडा हल नहीं किया तो असी यह कांग्रेस सरकार नूं दिखा देंगे कि साडा एका की चीज़ है, तो इन्हां नूं असी इलैक्शनां दे विच हरा के छड़ांगे। इलैक्शनां तो बाद भी नवी सरकार आउंदी है उहनां नाल भी अपना बतिरादी होएगा, जब तक तुहाडी मंगां नहीं मन्नी जांदी तक स्ट्राइक रहोगे? बिल्कुल स्ट्राइक दे तां नहीं, जदों नवीं सरकार बनेगी उन्हां कोल असीं जावांगे, वह चलो बाद दीआं गल्लां ने कि उन्हां कोल जाके असीं दसांगे साडीआं की डिमांड्स ने, देखदे हां सरकार दा उत्ते नवीं सरकार दा की रवैया हुंदा उहदे उत्ते। ਇਹ ਸਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਚਾਹੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਲਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਬਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਢੀਠ ਕਿਉਂ ਆ। ਇਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ, ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ, ਪਰ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਘੜੀਸ ਕੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੌਂਕ ਇੱਕ ਰੋਕਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੌਂਕ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਟਿਆਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਧਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਬਸ ਕਰੋ, ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਓ ਹੁਣ। ਯੈਸ ਚੀਟਰ 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 ਝੂਠਾ ਕਿਸੇ ਥਾ ਦਾ ਐਵੇਂ ਚੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਆ ਤਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਥਾ ਦਾ ਪਾਪ ਲੱਗੂ ਪਾਪ। ਉਹ ਕੱਪੂ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਇੰਨੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸੌਂ ਕਿਉਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਂ ਸੋ ਖਾਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪੀੜ ਹੋ ਗਈ। ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਾਂ ਖਾਦੀਆਂ, ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ? ਕਿਹਾ ਸੀ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਦਿੱਤੀਆਂ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ ਹੁਣ ਵੀ ਧੱਕੇ ਖਾਉਂਦਾ,
नाले नशे करदा है। नशा खत्म करन दी भी तो सौ खादी सी इन्होंने। किसानां दे कर्जे माफ करन दी सौ हो गए सब दे सारे कर्जे माफ। बापू दे तां खेत भी बैंक वाले ले गए। इस कांग्रेस सरकार तो क्यों नहीं जवाब मांगदे? देश दुनिया दीआं ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तों डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत ते हाँ नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इन्ना ही नहीं अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल तुहाडी अपनी आवाज़ पंजाब दी आवाज़ अजीत।